नमस्कार दोस्तों रतन पावर जैसे कि सारे के सारे ऑपरेटर जो है इसी के पीछे पड़ गए थे तीन अटेम्प्ट मतलब तीन बार कोशिश की गई कि इसमें जो है थोड़ी ज़्यादा गिरावट की जाए लेकिन नहीं पहली यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया उसके बाद फिर से रिकवरी आ गई फिर से जो है दूसरी बार कोशिश किया गया फिर से रिकवरी आ गई फिर धीरे 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 करके फिर फाइनल यहाँ पर एक जो है लास्ट यहाँ पर आया था मतलब दो तीन बार इसको जो है गिराने की कोशिश हुई गिराने की कोशिश से मतलब मेरा है कि बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो है स्टेक जो है बेचे गए एक एक बार में बीस बीस करोड़ पच्चीस पच्चीस तीस तीस करोड़ के शेयर बेचे गए और इसी वजह से आज इसका वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है ग्यारह करोड़ ये केवल एन का डाटा है और यहीं पर हम लोग बी का डाटा देखेंगे टोटल तो बी पे भी तीन करोड़ तो ग्यारह तीन चौदह चौदह करोड़ या और यहाँ पर भी नहीं तो वेरीफाई हम लोग कर लेंगे यहाँ पर देखिए चौदह करोड़ इक्विटी शेयर टोटल जो है एन एस सी प्लस बी एस सी का ट्रेड हुआ है जबकि इसमें एवरेज वॉल्यूम कितना ट्रेड होता है दो करोड़ डेढ़ करोड़ पौने दो करोड़ मतलब एक से दो करोड़ के अंदर अंदर ही इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है कभी कभी तीन करोड़ भी डाक जाता है लेकिन रहता है एक से दो करोड़ के अंदर अंदर ही नहीं तो अगर यहाँ से नहीं पता चलेगा तो यहाँ से भी देखिए इसके पिछले दस पंद्रह ट्रेनिंग सेशन का डाटा देखेंगे देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम है पिछले ट्रेडिंग से देखिए एक करोड़ पचासी एक करोड़ चौदह एक करोड़ पच्चीस पैंतीस पच्चीस पैंतीस एक करोड़ पचास तीन करोड़ साढ़े तीन करोड़ दो करोड़ सात करोड़ एक बार था सात करोड़ कब था यहाँ पर देखिए छब्बीस जुलाई दो हजार चौबीस को सात करोड़ था उसके बाद ढाई करोड़ ढाई करोड़ ढाई करोड़ ढाई करोड़ इस ऐसे दो ढाई करोड़ भी पहले का है लेकिन अभी फिलहाल में केवल एक डेढ़ करोड़ टेड का था ये अब देखिए इसमें जो अभी मैं बोल रहा था ना कि बाल बाल बज गए हैं वो कैसे देखिए चार्ट पे तो बाद में आएंगे चार्ट पे तो आएंगे ही चार्ट पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे देखिए आज इसमें चौहत्तर नंबर ऑफ लास्ट डील ट्रेड होती हुई देखिए और इन चौहत्तर नंबर ऑफ लास्ट डील में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बाईस अगस्त है यहाँ पे इक्कीस अगस्त मतलब यहाँ से जो है लास्ट डील की शुरुआत हुई है आज की सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था तभी यहाँ पे पाँच करोड़ रुपये नौ बज के पंद्रह मिनट एक करोड़ और फिर नौ बज के पंद्रह मिनट पर फिर से जो है यहाँ पे बीस करोड़ के जो है इक्विटी शेयर खरीदे और बेचे गए यहाँ पे खरीदा और बेचा समझ में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे केवल लार्ज डील लिखा था उसके बाद नौ बज के पंद्रह मिनट पर फिर से देख सकते हो साढ़े चार करोड़ एक करोड़ और फिर से एक करोड़ और यहाँ पे नौ बज के बत्तीस मिनट पर नौ बज के बत्तीस मिनट का मतलब कि ये जो पहले बार जो है यहाँ पे यहाँ पे किया गया था बत्तीस मतलब अपर सर्किट पे था और उसी अपर सर्किट पे यहाँ पे जो है बेचा गया है और तभी से अपर सर्किट इसका छूटा है मतलब जब से ये अट्ठारह करोड़ शेयर और ये चार करोड़ और ये एक करोड़ और ये आठ करोड़ ये तीन करोड़ ये तो ये सारे के सारे अच्छा यहाँ यहाँ तक है मतलब देखिए तीस के बाद अगली कैंडल जब ओपन होगी तो इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस पाँच मिनट ट्रेड करेगी वो तो देखिए तैतीस इकतीस मिनट के बाद वाली कैंडल पे अट्ठारह चार अट्ठारह सॉरी एक अस्सी फिर आठ नौ दस यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिला के लगभग बाईस तीस तीस पैंतीस पैंतीस करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं पाँच मिनट के अंदर पैंतीस करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं और तब से इसमें सर्किट जो है अपर सर्किट जो था वो छूटा है और तभी से इसमें जो है गिरावट का जो है मोमेंटम बना हुआ है मतलब गिरावट थोड़ा थोड़ा ही गिरा था लेकिन गिरा था लेकिन सर्किट यहीं से छूटा था ये साढ़े ग्यारह अट्ठारह करोड़ या फिर कह कहें पैंतीस करोड़ जब बेचा गया था तभी उसके बाद फिर से देखिए चौंतीस मिनट पे चौतीस मिनट पे फिर से सात करोड़ पाँच करोड़ पाँच करोड़ तो ये भी सत्रह करोड़ हो गया इधर उधर से डेढ़ दो करोड़ बना मिलाएंगे तो तीस बीस करोड़ ये भी हो जाएगा और यहाँ पे देखिए है भी सत्ताईस सैंतीस मिनट पर दो करोड़ है और ये सत्तर लाख तो इन सबको मिला लेंगे तीन करोड़ ये हो जाएगा तो ये बीस करोड़ यहाँ पर हो गया पैंतीस करोड़ उधर था उसके बाद अड़तीस मिनट में नौ बज के अड़तीस मिनट पर भी देखिए तीन करोड़ एक करोड़ फिर नौ बज के चालीस मिनट पर बारह करोड़ चार करोड़ सोलह ये हो गया पीछे का अगर मिला लेंगे तो बीस करोड़ ये भी हो जाएगा फिर इसके बाद दस बज के चौ अड़तीस मिनट पर छः करोड़ और एक करोड़ इस तरह से कई सारे जो है शेयर बाय से हुए कुल मिला के साठ पैंसठ करोड़ रुपये के शेयर यहाँ पर बेचे गए हैं लार्ज डील के माध्यम से केवल और इसमें जो है एक गिरावट आ रही है अगर आज का इसका हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए टोटल ग्यारह करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुए हैं जिसकी टोटल टेडेट वैल्यू कितनी आ रही है एक सौ एक सौ नब्बे कह लें इसको सीधा सीधा हम लोग एक सौ नब्बे करोड़ रुपए के ग्यारह करोड़ शेयर जो है वो खरीदे बेचे गए हैं अब इसमें से अगर साठ करोड़ रुपए के शेयर केवल जो है लार्ज डिमेटेड हुए हैं तो छह तेरी अट्ठारह मतलब दो मतलब दो तिहाई कह लें हम लोग सॉरी कि एक तिहाई शेयर जो है मतलब तीस परसेंट शेयर टोटल केवल लार्ज डील मिटेड में, में अब तीस परसेंट शेयर केवल लार्ज डील में बेचने वाले एक दो तीन चार बंदे केवल हों तो भाई दिक्कत तो है ना इसी को ना ऑपरेटर कहते हैं और किसको कहते हैं इस तरह से यहाँ पे सेलिंग हम लोगों को देखने के लिए मिले लॉन्ग टर्म के इस के स्टेज थ्री में शेयर आ चुका है अब कल आप लोग ध्यान दीजिएगा कल इसका जो है मेरे हिसाब से अनुमानित जो कह लें एक डेट है तेईस अगस्त खास करके शुक्रवार का डेट है और नौ अगस्त को ये जो है आया था एस के स्टेज थ्री में फोर से सोलह गैप करके ये जो है तेईस अगस्त मल मतलब कल जो है इसमें जो रहेगा एक व्यू रहेगा कि आ सकता है बाहर क्योंकि आ अब नहीं मैं बोलता हूँ कि नहीं आएगा आए ही आएगा क्योंकि आप लोग बोलते हो कि फिर आया नहीं आया क्लियर नहीं होता है भाई एक अनुमानित डेट है रिव्यू का पीरियड वो है आएगा तो भी ठीक नहीं आएगा तो देखिए नौ अगस्त दो स्टेज थ्री में आया था स्टेज फोर से ठीक है ना तो आ सकता है ऐसी संभावना है क्लियर नहीं है ठीक है ना लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है मैं नब्बे परसेंट मान के चल रहा हूँ कि ये एस के की लिस्ट से बाहर आएगा और कल ये वीडियो जो है डिले होकर आएगी क्योंकि जब तक ये एस एम की लिस्ट आ नहीं जाएगी तब तक रतन पावर के वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे तो संभावना रहेगा कि आएगी बाहर आएगी तो तभी बता बनाऊँगा वीडियो तो देख लीजिएगा चार्ट पे अच्छा सा गैप अप और वहीं रहा हूँ अप के साथ गिरावट यहाँ पे देखिए ग्यारह करोड़ पहले वॉल्यूम ट्रेड हुआ है बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे देख सकते हो लेकिन फिलहाल में तो लगभग एक महीने या जुलाई से कहने बड़ा ही वॉल्यूम है करना क्या है करना कुछ नहीं है हम लोगों को इसको होल्ड करके रखना है और जब अब ये कैंडल बनी थी तभी मैं बोल दिया था कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है क्योंकि खतरा इन्हीं चार कैंडल से था ये ग्रीन कैंडल ने जो है पूरा मोमेंटम चेंज किया और यही मैं बोल रहा था कि एक मोमेंटम वाली कैंडल चाहिए हम लोगों को वहाँ से सब चेंज हो जाएगा अब तो हम लोगों का फिर से सोलह रुपये का सपोर्ट भी आ जाएगा दे देगा सपोर्ट तो अभी चार छः दिन तो यही संभाल देगा ऊपर ही ठीक है ना देखते हैं और अभी उसमें पॉजिटिव रहेगा कईदारी तो कईदारी भी कर सकते हैं देखिए वही बात है कि जितना आप ग्राउट में खरीदारी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा जितना ऊपर खरीदेंगे उतना दिक्कत रहेगा तो सोलह के ऊपर जा चुका है तो आप फिर से एक बार चाहो तो आप एंट्री ले सकते हो नहीं तो पौने वही सवा मतलब सत्तर रुपये पचहत्तर रुपए का लेवल ब्रेकआउट का आपको इंतज़ार करना है तो आप करिए थोड़ा सा और फिर महंगा हो जाएगा तो देख लीजिएगा मेरा व्यू कुल मिला पॉजिटिव है तेजी के साइड का मेरा व्यू है और सेल तो बिल्कुल नहीं करना है सेल तो यहाँ पे भी नहीं करना था यहाँ पे भी नहीं करना था होल्ड करके रखना था और लॉन्ग टर्म वाले तो एक सेल करने के बारे में विचार भी नहीं लाएंगे अभी अपने दिमाग में तो देख लीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक करिएगा